नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और स्वागत करते हैं देश के मुख्यमंत्री मोदी जी के प्यारे मायावती जी के दुलारे सर अरविंद केजरीवाल जी का। स्वागत है केजरीवाल जी आपका। सर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मोदी जी को बवाना में हरा ही दिया। सर, मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको जनता ने वोट दिया था या फिर आप भी सीख गए ईवीएम को हैक करना? अगर एक मशीन पे बटन दबाते जाओ। नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। आप पहले कहा करते थे ना कि कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता है, लेकिन अब उल्टा कैसे हो गया? कोई टेम्पर उम्पर या आप सीख गए हैं ना? अंदर 100 तरीके हैं जिसके जरिए ईवीएम को टेम्पर किया। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कैसे एक्चुअली ये टेम्पर कर। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, उदाहरण आप मत दीजिए बिल्कुल, नहीं तो हम भी फंस जाएंगे, आप भी फंस जाएंगे। अच्छा, हमको ये बताइए कि आप जीतने के बाद कोई अपोजिट पार्टी का कोई रिएक्शन आया कुछ कि नहीं आया? वो हमें छोड़ने वाले नहीं है, वो रोज कीचड़ फेंकेंगे हमारे, रोज कीचड़ फेंकेंगे। सर जी, आप हमको ये बताइए कि आप इतनी जल्दी में ये सब कर कैसे लिए? किसी से कोई पंगा उंगत नहीं ले लिए थे? जब तक ऊपर वाले की मंशा है तो सोच लिया अब इनको मारना है, हमें कोई कुछ बचा नहीं सकता। दिल्ली के बहुत बड़े बड़े माफिया को अटैक किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों से पंगे लिए हैं। सर जी, हमको एक बात और बताइए कि आप अपने वाइफ को नौकरी से रिजाइन क्यों करवा दिए? वो केवल घोड़ागिरी करती थी, सुबह से शाम तक वॉलंटियर की तरह काम करती थी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर जी, अब ऐसा घोड़े की तरह काम करने की क्या जरूरत है, अब तो आप राजा बन ही चुके हैं। अच्छा, आप हमको ये बताइए सर जी कि आपके काम की बहुत चर्चा हो रही है। हमारे काम की चर्चा होनी चाहिए, हम बहुत खुश हैं। तो सर जी, इसी बात में एक बात और है कि आप आजकल बोलना बंद कर दिए हैं, किसी नेता के ऊपर नहीं बोलते, खासकर मोदी जी के ऊपर तो एकदम नहीं बोल रहे। मतलब अगर मैं बोलता था तो कहते थे बोलता क्यों है, और नहीं बोलता तो कहते हैं बोलता क्यों नहीं है, तो आप किसी तरह से तो खुश रहिए ना। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आप चुप ही रहिए, मैं चाहता हूँ कि आप चुप ही रहिए, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। सर, और मेरे को ये बताइए कि आप पिछले 2 साल में दिल्ली को क्या दिया आपने, क्या बना के रख दिया? दिल्ली के अंदर पिछले 2 साल में चारों तरफ दिल्ली में इतना कूड़ा, इतने मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया। तो और आगे के दिनों में क्या विचार है? आज आपके प्रोग्राम में सबको जानना जरूरी है, अगले 5 साल भी ऐसे ही कूड़ा रहेगी दिल्ली। ओके सर जी, अच्छा ये बताइए कि ये सब काम आगे का आपका क्या प्लान है? ये सब काम देख के क्या आपको लगता है कि बाद में आपको जनता फिर से वोट देगी? दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने 2 साल में इतने काम किए हैं, जनता बहुत खुश है उसको लेके, सब लोग बोल रहे हैं, तो अब इसीलिए जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।